जय हिंद किसान साथियों, आज हम नींबू में जो कौन कौन से खाद दिए जाते हैं उसके बारे में जानकारी साथियों ये जो जानकारी दे रहा हूँ खाद के बारे में, ये मैंने काफी विशेषज्ञ से जानकारी लेने के बाद एक मिली झुला जो है वो बता रहा हूँ। अपनी ओर से बताने पर काफी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि अधिकतर यूट्यूबर मन में आए वही वैसे ही रिकमेंड कर देते हैं, ये डाल लो वो डाल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनका शोध कार्य है, 30-30 साल जिनको हो गया है इस कार्य में, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये नहीं कि आप आयर कोई भी ज्ञान देके चले गए कि इसमें इतना डाल दो वो हो जाएगा, ये गलत हो सकता है आपके पौधे के लिए। दूसरा, जब भी कोई भी खाद रिकमेंड किया जाता है किसी भी बुक में या किसी में, उससे कम मात्रा में डालो या उसको टुकड़ों में डाल दो। आज डाला है 15-20 दिन फिर डाल दो, उसी को आधा कर दो, तो ये भी सबसे एक अच्छा विकल्प है। तो आप अचानक से एक चीज डालने से हमारा पौधे की हाइट भी डिपेंड करती है, उम्र भी काफी चीज मायने रखती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जी 5 साल का पौधा है, 5 साल का एक किसान का पौधा है वो 7 फीट का हो गया है नींबू का, और एक का है वो अभी से 4 फीट का ही है। तो ये नहीं जी हम समान मात्रा दोनों में दे देंगे, एक कॉमन अपना बुद्धि से भी काम करें कि जो बड़ा है उसको ज्यादा खुराक, जो छोटा है उसको कम, क्योंकि उसका जो रूट जोन है वो भी अभी से छोटा ही है, जड़ों के हिसाब से और उसकी हाइट के हिसाब से हम खाद देते हैं। अब हम जो 5 साल के पौधे हैं उसमें कौन कौन सा खाद दिया जाए उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। नींबू का जो मैं मात्रा बता रहा हूँ आप इसमें उम्र के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा खाद दिया जाता है और जो देना भी चाहिए ऑर्गेनिक खाद में, वो है काउडंग, गोबर की खाद। गोबर खाद सबसे अच्छा है, केंचुए खाद एग्रीकल्चर में बागवानी में वही यूज करें जिनके पास खुद के केंचुए हैं और खुद ही तैयार कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भी खुद का है। खरीद कर केंचुए खाद डालना वो ठीक नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट बढ़ा देता है। दूसरा, गोबर खाद है वो हमारे लंबे टाइम तक असर करती है, जो कि केंचुए खाद है वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रिजल्ट देती है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब आते हैं सबसे पहले गोबर खाद 40 किलो, उसके बाद आपको यूज करना है नीम की खली 4-5 किलो, ना हो कोई बात नहीं मत डालो। उसके बाद आता है यूरिया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा पौधे को चाहिए, वो हमें करीब लेनी है 600 ग्राम। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है सिंगल सुपर फास्फेट, उसकी भी अच्छी खासी मात्रा चाहिए, वो आपको लेना है 400 ग्राम। उसके बाद है पोटास, पौधे का साइज, फिनिशिंग, फ्रूट का अच्छा आना और चमक बननी, वो सब इस पर डिपेंड करता है, तो वो आप लेना है 200 ग्राम। ये मैं पर पौधे का बता रहा हूँ। उसके बाद आता है जिंक, जिंक आपको लेना है 20 ग्राम, जो जिंक सल्फेट है वो, जो कि ये है, ये एक पौधे के लिए 20 ग्राम ही काफ़ी है जड़ों में डालने के लिए। और उसके बाद आता है जी माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट को हम सीधा जड़ों में ना देकर अगर हम उस पर स्प्रे करें तो वो सबसे फायदेमंद है। मैग्नीशियम सल्फेट, तो इस तरह के जो भी है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, ये सारे ही आपको स्प्रे करने हैं 1-2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। स्प्रे तब अच्छा काम करता है जी, कोई भी स्प्रे करें आप किसी भी पौधे पर, जब उस पर नई पत्तियां आ रही हो, जब नई फुटान आ रही हो। अगर पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो हमारी स्प्रे उतनी कारगर नहीं रहती जितनी उसमें जब नई पत्ती आती है, तब उन पत्तियों पर हम स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट वाकई में बहुत शानदार होता है, और ये काफी साइंटिस्ट ऑलरेडी कह चुके हैं। हालांकि आप ध्यान कम देते हो क्योंकि आप ये समझते हो गवर्नमेंट जो बताती है वो इतना कारगर नहीं है या उनको ज्यादा नहीं पता, जो प्राइवेट बता रहे हैं वही अच्छा है, जो कि ये ठीक नहीं है। बाकी आपकी अपनी रुचि, इंटरेस्ट और आपका मन है। अब जो मैंने रेशियो बताया है उसी रेशियो में इन सभी खादों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर हमें वो डालना है। साथियों, खाद डालने का जो अच्छा समय माना जाता है नींबू में वो है मई जून और अक्टूबर नवंबर। हमने क्या किया है, अक्टूबर से नींबू का पानी बंद कर दिया, उसमें गुड़ाई करके उसको छोड़ दिया, तो उसमें थोड़ा ताव आ गया और उसकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे करके पीली पड़ने लगी, यानी कि पौधा थोड़ा सूख मान रहा है। तो अब हम उसमें खाद देंगे, खाद देते ही पौधा फूल उठाएगा। हालांकि कुछ में थोड़ी बीच में बारिश हो गई थी और वापस वो हल्के हल्के फूल उठाने शुरू कर रहा है। अब हम उसका रिजल्ट भी देंगे। अभी हम इस पूरे खाद को ही मिक्स करते हैं, इसमें हमने जिंक सल्फेट भी मिलाया है। ये सारा खाद जो हमने रेशियो आपको बताया उसी रेशियो में हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर दो,
ये हमने ये पौधे सभी पानी बंद करके ये सूखने के लिए ज़मीन छोड़ दी थी, एक महीने से काफ़ी सूखा है। अब हमने ये इसमें गोबर की खाद लाए हैं और ये इसमें डाल रहे हैं। गोबर की खाद जो है आपकी कम से कम एक साल पुरानी हो तो सबसे अच्छी है, क्योंकि वो गला हुआ होता है, उसकी गर्मी निकली हुई होती है और दीमक के चांस भी उसमें कम होते हैं। कच्चे गोबर में पौधा भी झुलस सकता है और दीमक के चांस भी बढ़ते हैं। अब इस पे आप ये देख रहे हैं, इस पौधे पर ये नींबू लग रहे हैं, आप देखेंगे इसमें ये काफ़ी अच्छे नींबू लग रहे हैं इसमें। और लगातार इससे ये नींबू टूट रहे हैं। आइए और दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये अभी ये नींबू धीरे धीरे करके छोटे हैं, तैयार हो रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी है मार्केट में जाने के लिए। और अब इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये फूल आ गए, जो हमारा गर्मी का नींबू बनेगा ये देखें, ये इसमें नींबू बन रहे हैं, ये यहाँ से छोटा छोटा बन रहा है नींबू, ये नींबू बन रहा है, ये इससे बड़ा है और ये नीचे पीला हो रहा है, ये सब तरह का नींबू इस पर लगा हुआ है। किसान साथियों, नींबू की एक बात होती है कि नींबू जी हमें बारहमासी सदाबहार कागजी कहीं भी डिमांड करता है कोई किसान, तो अक्सर कहीं भी जब पूछता है तो कोई भी जब बेचता है तो वो ये कहता है जी ये तो बारहमासी सदाबहार है, आल ग्रीन है। एक्चुअली नींबू अमरूद अनार ये साल में प्राकृतिक रूप से ही तीन बार फल दे सकते हैं, लेकिन साधारणतः दो बार ही देते हैं। ये पौधा रहा, इसका भी अब ये फ्रूट अब तैयार है, ये 5 साल के पौधे हैं। कोई भी पौधा एक समान रूप नहीं लेता, आप ये देखें कि ये थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, आगे फिर वो एक छोटा है, तो ये छोटे बड़े होते हैं, लेकिन एक उम्र आने के बाद सभी एक समान दिखने लग जाते हैं। अब हम इसमें आपको ये नींबू दिखाते हैं, ये देखें आप, ये नींबू लग रहे हैं नीचे से देखें, ये सभी नींबू है और ये दो दो तीन तीन के गुच्छे में होते हैं। ये हमारे पास बालाजी, साई सरबती, फुले सरबती, NRCC 8-7। अभी मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ, साइज जो आप देखें काफ़ी अच्छा है, मीडियम साइज है। ये देखें इसमें बीज भी ज़्यादा नहीं होते, ये देखें 4 से 5 बीज होते हैं और रस भरपूर होता है, रस मैं आपको दिखा दूं। ये आराम से ये रस निकल गया है, और दिखाता हूँ, ये देखें ये पूरा ही रस, एक नींबू से इतना अच्छा रस निकलता है। आप आगे और दिखाता हूँ आपको, ये नींबू लगा हुआ है और इस पे भी सभी पे नींबू है, आप ये देखेंगे ना नीचे, आपको एक काट के दिखा देता हूँ, ये आपको कड़े में थोड़ा इसमें टाइम था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस कंडीशन में भी बहुत बेहतरीन होता है। साथियों, वैरायटियों का बड़ा रोल होता है हमारी बागवानी के अंदर। अब मैं आपको इसमें ये दिखाता हूँ, बीज इसमें 2, 4, 6 बीज हैं। अब इसमें खाद कैसे डालें वो आपको मैं बता रहा हूँ कि खाद कैसे डालना है। अभी हमने ये गोबर की खाद डाला है और अभी हम इसमें जो केमिकल खाद है हमारा वो इन पौधों पर डालते हैं। इन पे फ्रूट भी है, अभी नए फूल भी आ रहे हैं और खाद डालने के करीब 5 से 10 दिन के अंदर नया फूल आ जाएगा। ये हम जो खाद डाल रहे हैं ये नवंबर मंथ का डाल रहे हैं, जून जुलाई में अलग से डलता है।
तो खाद जो डालने का तरीका है वो आप देखें, पहले हमने 40 किलो गोबर खाद डाला और जो मैंने अभी वीडियो में बताया था आपको स्टार्टिंग में वो मात्रा डाल रहे हैं। इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं और कुछ मेजर हैं, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है, यूरिया है, ये सारा ही हम इसमें मिक्स करके डाल लेंगे। डालने के बाद करना क्या है आपको, ये खुरपे से या कस्सी से जो भी आपके पास साधन हो ये हल्की हल्की गुड़ाई करनी है जिससे ये मिक्स हो जाए। किसान साथियों, आपको जब भी केमिकल खाद यूज करें या कोई भी खाद यूज करें आपके पास पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए या आप बरसात होने का इंतज़ार करें। आप ऐसा नहीं कि आप केमिकल खाद या यूरिया DAP डालकर आप उसको ऐसे ही छोड़ दें तो पौधा सूख सकता है, ये संभावना रहती है, क्योंकि उसको नमी चाहिए। अगर सीधी जड़ संपर्क में कंटिन्यू खाद आ गई तो पौधा मर सकता है, ये आप ध्यान रखें। अभी हमने इसमें खाद दिया है तो कोशिश करें 1-2 घंटे के अंदर इसमें हम पानी दे दें तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। उसके बाद जैसे इसमें नई पत्ती आएगी, अब आप ये देखें हमने पानी बंद कर दिया था, इसमें कहीं भी नई पत्ती नहीं, जैसे ही नई पत्ती आएगी हम उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे 1 ग्राम पर लीटर, उसके बाद COC कॉपर ऑक्सो क्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर, जो कैंकर है फंगस है उनको रोकेगा। फिर इसमें हम इमिडा का करेंगे, उसमें लीफ माइनर वगैरह कुछ ऐसे रोग आते हैं, कुछ इंसेक्ट आते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं, तो वो भी हम समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे। तो ये पूरी एक प्रक्रिया नींबू के पौधों में खाद डालने की थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।